अकोमोडेशन जो है रहने के लिए कंपनी देगी, ट्रांसपोर्ट है गाड़ी भाड़ा कंपनी का रहेगा, फूड जो है रहेगा खाने का वो भी कंपनी का रहेगा, और इंसेंटिव जो रहेगा वो 5% बिजनेस में से रहेगा। तुम लोग को टारगेट मिलेगा, जितना तुम लोग टारगेट अचीव करेंगे वो हिसाब से 5% तुम लोग को इंसेंटिव मिलेगा। सैलरी जो रहेगी 150 KD हो गई, 150 बोले तो इंडिया का 45,000 से 50,000 कुछ रहेगा, अभी तुम लोग कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। व्हाट्सअप क्या बोलती पब्लिक, घंटा आए बोलते क्या क्या बोलते भाई लोग। आज अपने पास बहुत इमरजेंसी में एक वैकेंसी आई है मसाज पार्लर में, मेल कैंडिडेट की जरूरत है। मैं अभी तुम लोग को सारा जॉब डिस्क्रिप्शन, सैलरी क्या है क्या नहीं, सारी चीज बता रहा हूँ। कुवैत के लिए है, 15 डेज में वीजा आएगा, कंपनी की सारी डिटेल्स दे रहा हूँ ये वाले ब्लॉग में। तो जो जो लोग मसाज वाले जॉब में इंटरेस्टेड हो मसाज पार्लर में, वो लोग ट्राई कर सकते हैं। स्पा बोलते हैं यहाँ पे, मसाज पार्लर को बोलते हैं स्पा। लेडीज होता है, जेंट्स होता है, सारी चीज होती है। अभी ये जेंट्स कैंडिडेट के लिए वैकेंसी। सो सबसे पहले इंडियन नेशनलिटी, नेपाल नेशनलिटी और थाईलैंड नेशनलिटी, ये 3 जन को हायर कर रहे हैं। तो अभी इंडियन और नेपाली लोग ही मेरी भाषा समझेंगे, थाईलैंड वाले तो नहीं समझेंगे। थेरेपिस्ट मसाज है, ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ थेरेपिस्ट मसाज बोल के है। स्ट्रेट चाहिए, मतलब मिठे लोग नहीं चाहिए, मिठे लोग नॉट अलाउड। मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, क्योंकि वो लोग चेक करेंगे, इधर आने के बाद तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि हर एक स्पा में अलग अलग होते हैं। कई कई मिठे लोग होते हैं, लेकिन वो मिठे लोग क्या करते हैं, मोस्टली एड़े चाले करते हैं स्पा के अंदर, समझ रहे, पैसा लेके। अभी वो क्या एड़े चाले तुम लोग को मालूम है। ये स्पा का जो ओनर है वो सीधा मुझे बोला है, मेरे को एकदम सीधा स्ट्रेट बंदा चाहिए, कि भाई हाँ मसाज वाला मतलब एग्जैक्टली वो बंदा चाहिए, ओके। तो उसमें एड़े चाले हुआ तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। और मैं जो जो चीज़ बता रहा हूँ ना इसमें, मैं एकदम जो सामने वाले ने मुझे बताया ना, जिसकी कंपनी है जिसने मुझे बताया ना, मैं वही चीज़ तुम लोग से शेयर करूँगा। अगर तुम लोग वो चीज़ के लिए कैपेबल हो और उतना उतना तुम लोग ने कोर्स वगैरह सर्टिफिकेट वगैरह है, तो तुम लोग इजीली 15 डेज में तुम्हारे हाथ में वीज़ा आ जाए। बॉयज़ चाहिए, बॉयज़ मसाज करने वाले बॉयज़, ओके। क्वांटिटी कितनी चाहिए, इंडिया से 10 चाहिए, थाईलैंड से 5 चाहिए और नेपाल से 5 चाहिए। खाली मेल, ओनली प्रोफेशनल, ओके, ओनली प्रोफेशनल रहना चाहिए। एकदम प्रोफेशनल मींस, जब तुम लोग इधर आएंगे ना तो लोग देखते साथ समझ जाएंगे कि तुम रियल हो, तुम्हारे अंदर वो टैलेंट है क्या नहीं मसाज करने का, उतना एजुकेटेड हो क्या नहीं, उतना एक्सपीरियंस हो क्या नहीं। तो तुमको यहाँ का काम और अपना ऑलरेडी जो तुम लोग काम कर रहे हैं उसमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस आएगा। अगर तुम प्रोफेशनल हो तो तुमको वो चीज़ ईजी हो जाएगी, समझ रहे, एकदम ईजी हो जाएगी यहाँ पे ट्रेनिंग पास करके जॉब पे चढ़ने के लिए। तो प्रोफेशनल बंदा चाहिए। एज कैटेगरी क्या रहनी चाहिए, 25 से 30 के बीच में चाहिए, ओके, 25 to 30। सर्टिफिकेट होना चाहिए बंदे के पास, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। कोई फेक बनाएगा तो वो सामने देख के पता चल जाएगा ओनर को, राइट। तो बहुत बड़ा स्पा है, बहुत नामचीन है, कुवैत में सालमिया लोकेशन पे भी है, शर्क में भी है और काफी सारी जगह है, इसके मल्टीपल ब्रांचेस भी है। अकोमोडेशन जो है रहने के लिए कंपनी देगी, ट्रांसपोर्ट है गाड़ी भाड़ा कंपनी का रहेगा, फूड जो है रहेगा खाने का वो भी कंपनी का रहेगा, और इंसेंटिव जो रहेगा वो 5% बिजनेस में से रहेगा। तुम लोग को टारगेट मिलेगा, जितना तुम लोग टारगेट अचीव करेंगे वो हिसाब से 5% तुम लोग को इंसेंटिव मिलेगा। सैलरी जो रहेगी 150 KD हो गई, 150 बोले तो इंडिया का 45,000 से 50,000 कुछ रहेगा, अभी तुम लोग कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। और कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का रहेगा, 1 साल का रहेगा, हर साल वो रिन्यू होएगा। तुम्हारा काम अच्छा है, तुम यहाँ कुवैत में जूनियर हो गए तो जाहिर सी बात नहीं है कि तुम लोग 150 में ही करेंगे, तुमको और ज़्यादा सैलरी लगेगी, 200 लगेगी, 250 लगेगी, 300 लगेगी। तो तुम यहाँ के एक्सपीरियंस के बेस पे उधर जाके शिफ्ट हो सकते हो। ड्यूटी आवर कितना रहेगा, ड्यूटी आवर 10 to 12 ड्यूटी रहेगी। OT अवेलेबल है, ओवर टाइम रहेगा, ओवर टाइम अगर तुमको करना है तुम्हारा पैसा ज़्यादा बनेगा। इमेजिन ग्रुप स्पा कंपनी का नाम है, इमेजिन ग्रुप स्पा, और वो मतलब इमेजिन ग्रुप कंपनी है, उसके अंदर ये स्पा है। कुवैत सिटी बेस्ट प्लेस टू बिजनेस, ओके। सो जेंडर चाहिए मेल, एज लिमिट 25 to 30, सैलरी 150 KD, ओवर टाइम इंसेंटिव है, अकोमोडेशन ट्रांसपोर्ट फूड कंपनी की तरफ से, एक्सपीरियंस कितना चाहिए, 2 साल का कम से कम या 1.5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। 1 ईयर एक्सपीरियंस इज फाइन, 1 ईयर एक्सपीरियंस भी चलेगा। सो 1 से 2 ईयर्स हो गया तो वो प्रोफेशनल हो गया। तो इसमें इंटरव्यू होगा, नेशनलिटी इंडिया, नेपाल, इंडोनेशिया। जितने भी अपने इंडियंस भाई है जिसको मसाज पार्लर में यहाँ वहाँ जगह का एक्सपीरियंस है, भाई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एकदम फटफट काम होएगा। अगर तुम लोग रेडी है ना करने के लिए, तो तुम किसी के ऐसा मत रहो कि भाई क्या होएगा क्या नहीं होएगा, ये होएगा वो होएगा। तो अभी मैं बताता हूँ इसके लिए अप्लाई कैसे करने का है। तो सिंपल सी बात है, एज यू सी
और एक और बार देख लो अपने कितने सब्सक्राइबर लोग का वीजा आ गया, देखो इधर फोटो में देखो। तो तुम लोग का जो प्रोसेस है वो कहाँ से होगा? आईबीओ ओवरसीज से होगा। कंपनी का ओनर होते हैं, जो कंपनीज के एम्प्लॉयर होते बड़े बड़े, ये सारे एजेंसीज से टाई अप रखते हैं। तभी जाके एजेंसीज को बोलते हैं कि मुझे इतना बंदा चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। फिर वो एजेंसीज तुम लोग को बाकी का प्रोसेस, यहाँ लाने का ए टू जेड, इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर, सिलेक्शन, सारी चीज़ आईबीओ ओवरसीज टेक केयर करेगी। तो अगर अपन सोचते कि कंपनी का नाम मिल गया डायरेक्ट ट्राई करता हूँ, ऐसा तो हज़ारों लोग ने अलशाया में ऑलरेडी ट्राई की है। तो बहुत मुश्किल होता है कि डायरेक्ट कंपनीज में होना, इसके लिए एक एजेंसी होती है, लेजिट एजेंसी होती है, जिसको मैं हर बार सजेस्ट करता हूँ, उसके पास ये वाली वैकेंसी है स्पा की। तो जितने भी स्पा की पब्लिक है, तुम्हारे रिश्ते में है, भाई है, बहन है, सॉरी बहन बोल रहा हूँ, भाई लोग जो भी है, फटाफट उन लोग से ये वीडियो शेयर करो ताकि उन लोग को जल्द से जल्द जॉब मिल जाए और वही हो सके आपको आगे यहाँ पे आने के लिए सपोर्ट करे, है क्या नहीं पब्लिक? तो जितनी भी पब्लिक है, मसाज पार्लर वाले लोग के लिए जॉब है, मसाज पार्लर। तो www.ibovercies.com, इन लोग का इंस्टाग्राम का पेज, इस पर भी फॉलो मारो, चेक मारो, अपडेट आती कितने लोग का वीज़ा आया, कितना क्या हुआ, बंदा आया, क्या सीन है, क्या नहीं, सारा चीज़। तो फटाफट ट्राई करो। तो जितने लोग भी कैपेबल हो, इंटरव्यू सिलेक्ट हो जाते हो, बेफिक्र होके सीधा घुस जाओ और उड़ जाओ और इधर आके मिलो मेरे से, क्या? तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करो भाई, मेरे को भी इंस्टाग्राम पे फॉलो करो अगर नहीं किए तो, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करो, कमेंट में तुम लोग का फीडबैक बताओ। मिलते गाइस अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।